यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर ऑपरेशन कबाड़। जी हां, ऑपरेशन कबाड़। हम बात कर रहे हैं उस कबाड़ की जिसके पीछे मौजूद है एक काला खेल, काला खेल जिसके जरिए मिनटों में कबाड़ बन जाती हैं बेशकीमती कारें और फिर शुरू होता है कबाड़ का खेल। कारों को हिस्सों में बांटकर उनके सामान के जरिए ये शातिर लाखों रुपए बनाते हैं, चोरी की गाड़ियों से भरते हैं अपनी जेब। तो आइए आप भी देखिए मेरठ के सोतीगंज की इन जीती जागती तस्वीरों को। कबाड़ के पीछे मौजूद काले खेल का ये खुलासा एबीपी गंगा ने किया था, जिससे ऊपर से लेकर नीचे तक, अधिकारियों से लेकर इस खेल के हर खिलाड़ी तक हड़कंप मच गया था। वजह थी सोतीगंज की जागती हुई ये तस्वीरें, जो गवाह थी एक काले खेल की। मेरठ का सोतीगंज प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चोरी के वाहनों के खरीद फरोख्त के लिए बदनाम है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त एबीपी गंगा की टीम जो है वो मेरठ के सोतीगंज पहुंची हुई है, जहां पर गाड़ियों की खरीद फरोख्त होती है। बताया जाता है कि यहां पर चोरी के वाहन, लूट के वाहनों के चेसिस नंबर और इंजन नंबर बदलकर उन्हें दूसरे राज्यों में भी बेचने का कारोबार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि छतों के ऊपर किस तरीके से वाहनों के पार्ट्स रखे हुए हैं। अब ये चोरी के हैं या एक्सीडेंटल पार्ट्स हैं, इनका भी कोई सबूत नहीं है। और साथ ही भारी तादाद में पुलिस ने छापेमारी करके यहाँ से लगभग 45 गाड़ियों के इंजन बरामद किए, काफ़ी तादाद में गाड़ियों के पार्ट्स बरामद किए। और बताया जा रहा है कि जो इंजन बरामद हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा लग्जरी गाड़ियों के इंजन हैं। साथ ही कई कबाड़ियों के गोदामों में और घरों में भी पुलिस ने छापेमारी की है। सोतीगंज की जागती हुई ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे यहां चोरी की गाड़ियों को कबाड़ बनाकर उनसे अपनी जेब भरी जाती है। कार के कबाड़ से कमाए जाते हैं लाखों। मेरठ की तंग गलियों से होकर गुजरने वाला सोतीगंज इलाका, इसके लिए कहा जाता है कि 10 मिनट के अंदर यहां चोरी की कारों को कबाड़ कर दिया जाता है। चोरी की गाड़ियों को मिनटों में मिटाकर पार्ट्स को अलग कर दिया जाता है। 10 मिनट में कार के हिस्से अलग होते हैं। ये वो बदनाम इलाका है जो चोरी के वाहनों की कटाई और उनके पार्ट्स को बेचने का। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि आखिरकार इतना बड़ा कारोबार किसकी सरपरस्ती में फल फूल रहा था। लेकिन जब एबीपी गंगा ने इसका खुलासा किया तो सब सन्न रह गए, जिसके बाद खाकी की पूरी टीम पहुंची सोतीगंज के इलाके में और शुरू हुई कबाड़ के इस काले खेल पर कानूनी कार्रवाई।
एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है मेरठ में, और आप देख सकते हैं कि सोतीगंज में खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए हैं और अब छापेमारी का सिलसिला शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं ये हाजी इकबाल का गोदाम है जहां पर पुलिस कर्मी मौजूद हैं और शटर को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि उनको जानकारी मिली है कि इसके अंदर जो चोरी के वाहन हैं, जो लूट के वाहन हैं, उनके पार्ट्स, उनके इंजन, उनके चेचिस रखे गए हैं, और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताले को तोड़ा जा रहा है। कई चाबियाँ पुलिस कर्मी लेकर के आए हैं ताकि किसी तरीके से ये ताला खोला जाए। अगर नहीं खुलता है तो उसके बाद इसको तोड़ा भी जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सोतीगंज की हैं जहाँ पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आप सामने देख सकते हैं ये सोतीगंज है, और जहाँ पर जो चोरी के वाहन हैं, जो लूट के वाहन हैं, उनको काट कर उनके पार्ट्स बेचे जाते हैं, और यही वजह है कि सोतीगंज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बात को लेकर के बदनाम है कि यहाँ पर चोरी के वाहन काटे जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये शटर खोल लिया गया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये एक गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, और जो पार्ट्स हैं गाड़ी के उनको देखिए कि कितनी तादाद में यहाँ पर गाड़ी के पार्ट्स रखे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ अधखुले वाहन भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे एक वाहन खड़ा है जिसका इंजन उतार लिया गया है, और देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर इंजन रखे हुए हैं। गिनती करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी यहाँ दर्जनों की तादाद में जो इंजन है वाहन के वो रखे हुए हैं। एबीपी गंगा के ऑपरेशन कबाड़ी का ये बड़ा असर है कि सोतीगंज में पूरी की पूरी फोर्स पहुंची और देखा गया छतों, घरों और गोदामों में गाड़ियों के पार्ट्स, चेसिस और इंजन भारी तादाद में रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये लग्जरी गाड़ी है जिसका इंजन, जिसका चेसिस खोला जा रहा था, लेकिन जब पुलिस की रेड पड़ी है तो यहां से जो कारीगर थे, जो एक्सपर्ट कारीगर थे, वो यहां से भागे हैं। और कहा जाता है कि सोतीगंज में एक्सपर्ट कारीगरों की टीम होती है जो 5 से 10 मिनट के अंदर में ही पूरे वाहन को खोलकर अलग कर देती है। आप देख सकते हैं ये गोदाम है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर कि किस तरीके से यहाँ पर चोरी के जो वाहन हैं उनको काटा जाता है और उनके पार्ट्स को यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन अब मेरठ पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है और चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही है। आप देख सकते हैं ये मेरठ पुलिस है और खुद जो सदर बाजार के एसओ हैं वो भी मौजूद हैं, और लगातार ये छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। सभी उन अवैध पार्ट्स को अपनी गिरफ्त में पुलिस ले रही है जो यहां पर छुपा के रखे गए हैं, और लगातार ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और एसओ साहब ने साफ कह दिया है कि जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी, जब तक ये जो कारोबार है पूरी तरह से ठप नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहनों को छुपा के रखा गया। आप देखिए कि पूरी गाड़ी की चेचिस, ये देखिए किस तरीके से अंदर छुपा के रखी गई है, और ये गाड़ी कहां से आई, कैसे आई, इसका कोई पता निशा नहीं है। सोतीगंज में चोरी और लूट की गाड़ियों की खरीद फरोख्त का अवैध कारोबार होता है, और इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कबाड़ियों के साथ साथ इस काले खेल के हर खिलाड़ी की लिस्ट तैयार की है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियों के इंजन हैं वो भी यहां पर रखे हुए हैं। सामने देखिए मेरे की किस तरीके से ये इंजन यहां पर रखा हुआ है। ये देखिए इधर सामने भी आपको इंजन ही मिल जाएगा, इधर देखिए सामने वहां पे भी इंजन ही रखा हुआ है गाड़ी का, और देखिए कि किस तरीके से ये गोदाम बनाया गया है जिसे पुलिस तोड़ के अंदर जा रही है। आप देख सकते हैं कि कहां कहां ये सामान नहीं रखा गया है, और ये देखिए ये जीने पर जाने के लिए रास्ता है, और इस रास्ते के जरिए ऊपर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी भारी तादाद में वाहनों को रखा गया है और उनके पार्ट्स को रखा गया है। आप देख सकते हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा पर, जहां पर भारी तादाद में आप देख सकते हैं, आकलन नहीं कर सकते हैं कि कितनी कीमत के ये पार्ट्स होंगे। और यहां पर आप देखिए कि हर तरफ जहां नजर डालेंगे वहां सिर्फ आपको गाड़ियों के पार्ट्स ही पार्ट्स दिखाई देंगे, और ये देखिए कि किस तरीके से ये डैशबोर्ड, विंडो, इसके अलावा और जो अन्य पार्ट्स हैं गाड़ी के वो भी यहां पर मौजूद हैं। मेरठ का सोतीगंज में चोरी और लूट की गाड़ियों को खरीद कर उनके इंजन और चेसिस नंबर को बदल कर दूसरे राज्यों में बेचने का भी कारोबार किया जाता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं
बल्कि पूरे देश में सोतीगंज इस अवैध कारोबार के लिए बदनाम है। लेकिन अब मेरठ पुलिस दावा कर रही है कि इस अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। हम एसओ साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरीके की कार्रवाई हो रही है और अब तक कितने वाहनों के पार्ट्स यहां पर बरामद किए गए हैं। करीब 50 इंजन है, 30 गाड़ियों के एसीएम है जो गाड़ी में लगाए चोरी किया जाता है इनका एसीएम का बाद और करीब 25 गाड़ियों के चेसिस है, अन्य टायर वगैरह है, सभी का लिंक करके एफिसर से जानकारी करेंगे किससे चोरी है, कहाँ से चोरी है, कुछ विशेषज्ञ हम लोकल भी बुलाएं जिनसे जानकारी ले रहे हैं। इसके बाद अभी को पंजीकृत कर कई लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पूरा जखीरा है गाड़ी के पार्ट्स का और ऐसे ही कई गोदामों को आपने सील भी किया है। मैं लगातार आपके साथ हूं, देख रहा हूं कि आप छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं, गोदामों के गेट को तोड़ करके अंदर घुस रहे हैं और जिस तरीके से ये जखीरा पूरा एक तरीके से कहा जाए कि गाड़ी के वाहनों का मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ी कामयाबी है। नहीं, सभी गोदाम सील किए जा रहे हैं, पुलिस अपना ताला लगा रही है, सील कर रही है, जो भी सभी की जांच की जाएगी, सभी जो भी सामान पड़ा है इसमें काफी तादा मात्रा में है, ऐसा लग रहा है काफी दिन से ये काम चल रहा है, अब बिल्कुल निश्चित तौर पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सवाल इस बात का है कि वर्षों से चले आ रहे इस कारोबार पर मेरठ पुलिस की अब तक नजरे इनायत क्यों? शहर में इस काले खेल के पीछे कई बड़े नाम भी हो सकते हैं जिसकी वजह से अब तक सब खामोश थे, लेकिन अब एबीपी गंगा के ऑपरेशन कबाड़ी के बाद चुप्पी टूटी है तो जद में आएंगे बड़े बड़े खिलाड़ी। किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, हर किसी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जहां जहां पुलिस को जानकारी मिलेगी कि इस तरीके का अवैध कारोबार फल फूल रहा है वहां पर कार्रवाई करते हुए उस गोदाम को सील किया जाएगा और वो गोदाम जिसका भी होगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।